हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। पांचवें राउंड में दिव्या अग्रवाल को बिग बॉस ने बुलाया है गार्डन एरिया में अपनी जर्नी वीडियो देखने के लिए। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि टेबल के ऊपर किन दो लोगों की पिक्चर थी और किन दो लोगों के साथ दिव्या अग्रवाल की जर्नी वीडियो दिखाई गई और दिव्या अग्रवाल को ये जर्नी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को ये जर्नी वीडियो कैसी लगने वाली है। पूरी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि दिव्या अग्रवाल ने किसकी फोटो एक्चुअली में शेड कर दी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिव्या अग्रवाल के घर में काफी सारी और भी मोमेंट्स थी, फनी मोमेंट्स थी जो कि नहीं दिखाई गई हैं, जो कि दिखानी चाहिए थी। मैं आप लोगों को याद करवाऊंगी और आप लोगों को भी याद होगा कि दिव्या अग्रवाल की भाई ये भी मोमेंट थी, ये भी दिखानी चाहिए थी। हम ये नहीं बोलते कि उनसे परे जाके दिखाओ, उन्हीं के साथ उन्हीं की वीडियो दिखानी चाहिए थी जो कि इन्होंने नहीं दिखाई है। दिव्या अग्रवाल जैसे ही गार्डन एरिया में गई तो टेबल के सामने जो है निशांत के साथ एक फोटो पड़ी थी, राकेश के साथ एक फोटो पड़ी थी जिसमें अक्षरा सिंह भी नजर आ रही थी। इसी दौरान सबसे पहले राकेश के साथ वीडियो दिखाई गई, राकेश के साथ जो वीडियो दिखाई गई इनकी लड़ाई झगड़ा दिखाया गया, बदतमीजी दिखाई गई जो दिव्या अग्रवाल के साथ इन्होंने राकेश ने की। दिव्या अग्रवाल ने भी उल्टे सीधे जवाब दिए, सवाल किए, बहुत ही सारी मतलब लड़ाई झगड़े वाली ये इनकी जर्नी वीडियो दिखाई गई। प्रॉपरली निशांत के साथ भी लड़ाई झगड़े वाली वीडियो दिखाई गई जहां पर लास्ट में दंड देना था पर दिव्या अग्रवाल मानी नहीं और यही बात बोलने लगी कि अगर दंड और दंडित कौन माना जाता है और कौन मतलब कि चुंदा खिलाड़ी माना जाता है तो परफेक्ट के लिए अपने आप को चुन लिया था निशांत ने। ये सब चीजें हुई थी। ये पूरी दोनों की ना, निशांत और राकेश की जर्नी वीडियो और दिव्या के साथ जो जर्नी वीडियो है इसको पूरे को लड़ाई झगड़े में दिखाया गया है। इनकी अच्छी मोमेंट्स भी थी जहां पर राकेश बापट की भांजी आई, उन्होंने ये बात बोला कि राकेश मामा का आपने बचपन बाहर निकाला दिव्या, कि हम मैं पहले कभी इनको देखा नहीं है और आपके पास आके ये हंसते हैं खेलते हैं। जब उस लड़की को पता है कि ये मोमेंट्स है तो क्या बिग बॉस को नहीं पता है कि दिव्या अग्रवाल के पास भी ये मोमेंट्स है और दिखानी चाहिए थी। निशांत के साथ कितनी ज्यादा मस्ती की है भाई, क्यों नहीं दिखाई? अगर ये दोनों ही थे तो दोनों ऑप्शन में दिखाना चाहिए था अच्छा बुरा सबका। अगर अच्छा बुरा दिखाया तो दिव्या अग्रवाल का अच्छा बुरा क्यों नहीं दिखाया? इसके बाद जो दिव्या अग्रवाल काफी ज्यादा सैड हो गई, अपसेट हो गई और अपसेट होने के बाद उनका कहना यह है कि बिग बॉस मेरे लिए ये दोनों ही मतलब कि मेमोरीज अच्छी नहीं है, मैं दोनों को श्रेड करना चाहती हूँ। पर बिग बॉस ने जवाब नहीं दिया, इन्होंने एक्चुअली सबसे पहले राकेश की फोटो श्रेड कर दी और बिग बॉस ने बोला कि आपको एक ही फोटो श्रेड करनी है। तो दिव्या अपने पास साथ कोई भी फोटो नहीं लेके गई, वो बाहर टेबल पे ही रख दी क्योंकि उनका कहना यह है कि मुझे ये पसंद नहीं आया है, कि मेरे और भी अच्छी हो सकती थी और रियली अच्छी हो सकती थी और सिर्फ लड़ाई झगड़े का दिखाया गया है। हालांकि आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।